पॉइजन वाले को इससे पॉइजन होता भी है या नहीं होता है ये भी मेरे को बताने। सो हेलो गाइज, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइज, आज से अपन शुरू करने वाले एक और नई ब्रांड न्यू सीरीज, और उस सीरीज का नाम है गाइज आर्क इटरनल। यस गाइज, आर्क इटरनल जो है वो वापस आ चुका है वन टाइम लॉग, और बहुत जल्दी भाई अपने साथ जो है गेमिंग विद एनी भी ज्वाइन करने वाली है। ठीक है, अराउंड 10 या 11 तारीख से आपको उनके चैनल पर उनकी वीडियोज देखने को मिलने वाली है, अगर बीच में उनकी तबीयत खराब नहीं हुई तो। ओके, तब तक उनके चैनल पर अपनी आर्क इटरनल की प्राइमल फियर की वीडियोस आती रहेंगी। उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चेकआउट करना है फटाफट जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। 25,000 के काफी ज्यादा नजदीक है गेमिंग विद एनी। ओके, और गाइस जो भी नए बंदे होंगे अपने चैनल पे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फटाफट भाई सब्सक्राइब का बटन जो नीचे लाल वाला उसको ठोक के सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस अपना नेक्स्ट गोल जो है वो है भाई 100K का, जो कि काफी ज्यादा दूर है, लेकिन फिलहाल जो है 55,000 मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो अराउंड 400 सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन अपलोड होने तक शायद 55,000 हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस 55,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट गोल अपन रखते हैं थोड़ा सा नजदीक वाला 60,000 का, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा फटाफट कर देना, और इस सीरीज में आने वाले भाई कतई ज्यादा मजे ही मजे। चलो भाई अपन फटाफट अपना कैरेक्टर बना लेते हैं। ओके, हियर वी गो, ये रहा अपना कैरेक्टर, भाई राहुल नाम डाल दिया यहां पे। अपन जाएंगे वाइकिंग बे 1 पे, जाओ क्या, हाँ वाइकिंग बे 1 पे जाते क्योंकि अपन मैक्सिमम वहीं पे स्पॉन होते हैं रैग्नारोक मैप में स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए भाई सबसे दुनिया के सबसे सेफ जगह वही है। ठीक है, दुनिया की सबसे सेफ जगह। और मेरे को इसमें नॉक्सियस क्रीचर भी डालना चाहिए था, मैं इसमें नॉक्सियस क्रीचर भी डालूंगा क्योंकि इसमें टॉर्पोर देने वाले कोई हाई टॉर्पोर देने वाले कोई डायनो नहीं है शायद इटरनल में, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे को नॉक्सियस क्रीचर भी डालना पड़ेगा। ओ भाई इलेक्ट्रिक भाई कछुआ, ये जोम्बी पैरासोरस है क्या? ए भाई नगेट्स फॉल डैमेज मतलब क्या? ये कौन सा पैरासोरस है भाई? जोम्बी पैरासोरस है, नॉर्मल है जिसको मार मार के लाल कर दिया गया है। ओके, जगबग दिखाई दे रहे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कछुआ सिंह है, देख रहे हो बाप रे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भसड़ मची है भाई। निकल लो भाई, पहली फुर्सत में निकल लो। वहाँ पे रेंडियर है क्या वो? अच्छा रेंडियर नहीं, मैं शॉप है। ओके ठीक है चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को भाई बटरफ्लाइज दिख रहे, ये टॉक्सिक है क्या कोई? वो टॉक्सिक दिखाई दे रहा है, देख रहे हो इसके आज। ओ भाई ये कौन है? डॉल्फिन फिश से हो जाएगी ना टेम। हेलो डॉल्फिन, क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? वाइल्ड मेल इटर्नल डॉल्फिन, क्या चाहिए? अबे क्या चाहिए तेरे को? अच्छा नॉकआउट टेम है क्या ये? अच्छा इटर्नल वाली है इसलिए नॉकआउट टेम है। मैं भी क्या लग रही है यार, देख रहे हो कितनी खूबसूरत है मेरे बच्ची ले, तेरे को टेम मारू जी गट भाग। ये कछुआ ये पीछे नहीं आना बे लौंडे, पीछे नहीं आना, रुक जाओ मेरे को उस तरफ जाने दो, मेरे को कल्टी मारने दो, गोटा कल्टी डायरेक्टली उस तरफ भाई, उस तरफ निकलेंगे। इसमें जो भाई खतरनाक वाले डायनो है ना भाई, क्या ही बोले, एकदम डेंजरस डायनो है। इसमें भी अपन भाई स्टार्टिंग के लिए एक क्या अपना वो ट्रांसमीटर ले लेंगे, ठीक है, इस अपना SS वाला ट्रांसमीटर लेंगे, एक टेक शील्ड लेंगे और एक कलेक्टर ले लेंगे। ठीक है, उतना सारा सामान अपन ले लेंगे अगले एपिसोड तक। ओके, फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे अपने स्टैमिना में पॉइंट डाले जाए, थोड़े से हेल्थ में पॉइंट डाले जाए, थोड़े से फॉर्टिट्यूड में पॉइंट डाले जाए, एंड हियर वी गो, लेट्स गो। चलो स्टैमिना रिकवर होने दो। ओ भाई और आ गया है, लेवल अप और आ चुकी है, मूवमेंट स्पीड में डाल देता एक पॉइंट ये। ओके चलो भाई, चलो अपन कोई नदी क्रॉस करनी है, एंड आज तो कुछ ना कुछ टेम करके रहेंगे, एक छोटा सा मोटा सा कुछ कछुआ भी। अच्छा वो कछुआ करूँ क्या मैं, वो इलेक्ट्रिक वाला कछुआ करूँ क्या? अच्छा लेकिन उसका टॉर्पर देखने के लिए, टॉर्पर कितना है उसका ये भी मेरे को पता नहीं क्योंकि मेरे पास भाई स्पाई ग्लास भी नहीं है। ये टॉक्सिक वाला करता हूँ ना मैं, टॉक्सिक वाला कछुआ करता हूँ। जब इसके सैडल होते क्या टॉक्सिक वालों के, इनके कार्बन होता है ना, नहीं नॉर्मल ही है शायद, नॉर्मल से हो जाएगा। अबे भाई क्या चाहिए तेरे को? सीमेंटिंग पेस्ट, मजाक कर रहा है भाई, सीमेंटिंग पेस्ट कहाँ से लाऊँ मैं गरीब हूँ भाई, मैं गरीब हूँ। ओके रुक जाओ, गरीब तो हूँ लेकिन अपन टेम कर सकता हूँ, भले ही मैं गरीब हूँ मैं टेम कर सकता हूँ। इसमें कोई ट्रैंक बिंक है क्या? ट्रैंक, रुक जाओ, ट्रैंक बिंक होगी ना, रुक जाओ ट्रैंक होगी, अगर स्टार्टिंग में अपन को ट्रैंक मिल जाए तो अपन उनको नॉकआउट कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें बोला था, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक बोला मिला था इटर्नल ट्रैंक बोला, ये रहा भाई, एकदम ईजी पीजी है भाई इटर्नल ट्रैंक बोला, क्योंकि अपन ने आर्क इटर्नल खेला है पहले भी, आपको पता होगा 2-3 एपिसोड इसके आए थे। ठीक है, हेल्थ बढ़ा ले, थोड़ा सा खाना खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। वो डोडो कौन सा है? वो डोडो मेरे को अल्फा डोडो लग रहा है। ठीक है जम कर, ओके नाइस, चला जा। अच्छा भाई पत्थर उठा ले लोंडे। चलो भाई बोला बना लेते, वो इटर्नल वाला ट्रैंक बोला बना लेते और सबको नॉकआउट करते हुए घूमेंगे अपन मस्त बिकी। ये कछुएश्वर को आज टेम करके रहेंगे अपन भाई, ये कछुएश्वर अपना भाई लाइफ पार्टनर रहेगा। ओ भाई भाई इनको ना देखो भाई, इसको ना देखो, जय भद्रकाली जय भद्रकाली। अबे उड़ दे
अबे थैश ने ओके नाइस, काफी बढ़िया काफी बढ़िया। अबे यार इलेक्ट्रिक, ये कौन सा कछुआ भाई, डोडो मारने नहीं आ रहा। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। वो कोकोनट मिल गया मेरे को, खा सकता हूँ क्या ये कोकोनट? एक्चुअली में आप टेम करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते मैं भी। ठीक है, बोला बना। और क्या चाहिए? 50 नारकोटिक चाहिए होते क्या तेरे को? भाई मजाक कर रहा है। मिली डैमेज बढ़ा अपना, मूवमेंट स्पीड बढ़ा, काफ़ी बढ़िया, 42 बढ़ा देख। ओके फिर भी को, चलो भाई इसको 50 नारकोटिक चाहिए होते हैं। रोला भाई थोड़े से कम चाहिए क्या? एक ही बोला बना, एक से शायद नॉक हो जाएगा। वैसे इसमें बहुत ताकत होती है भाई, इस ये बोला भाई एकदम खतरनाक है। वो मेरे को कोकोनट मिल रहे भाई, देख रहे हो कोकोनट मिल रहे हैं। एक्चुअली में इससे आप जो है ना कोई भी डायनो टेम कर सकते हो इन कोकोनट से, लेकिन आप खा नहीं सकते भाई। ये अलग गलत बात है ना यार, गलत बात है यार, गलत करते हो तुम। ठीक है, ये बोला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5 नंबर पे। ठीक है, 3 बोला तो बन चुके अपने, मूवमेंट स्पीड मिली डैमेज में एंड मूवमेंट स्पीड में डालता हूँ, क्योंकि भागने का काम भाई अपन को स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। किसी भी मॉड में जाओ आपको स्टार्टिंग में तो भागना पड़ता है भाई कुत्तों की तरह। ठीक है, हियर वी गो। मैं इलेक्ट्रिक वाला करूँ या ये करूँ, क्या करूँ? इलेक्ट्रिक वाला अच्छा लग रहा है ना। एलिमेंटल लाइटनिंग टर्टल है, तू कौन सा है भाई? तू कौन सा टर्टल इज दा? ये तो एलिमेंटल पॉइजन टर्टल है, पॉइजन 400 लेवल का है भाई, लेकिन ये खाएगा क्या पता नहीं। ले भाई, अबे यार बाहर निकल, रुक जाओ, जा भद्रकाली। ओ यस, ओ ये, ओ ये, ओ ये भाई बेहोश हो जा। इसका टॉर्पोर भी नहीं देख सकता ना, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मेरे पास टॉर्पोर देखने के लिए कुछ है भी नहीं भाई। ये कोकोनट सड़ रहे क्या मेरे? 2 कोकोनट मिल गए मेरे को एक्स्ट्रा भाई। चढ़ जा टॉर्पोर, टॉर्पोर फुल हो जाना चाहिए भाई। वैसे ऐसे रोशनी रोशनी तो दिखाई दे रही, मतलब इसको टॉर्पोर चढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अभी कितना चढ़ रहा है ये पता नहीं। ओके शायद 20 सेकंड तक होता है ना, मे बी 20 सेकंड। ये कौन सा है भाई, ये कौन सा? ओ भाई अंडे दे रहा है, फीमेल इटर्नल डोडो। अंडे दे, उठा लूँ क्या तेरे? बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा भाई। हेलो, फोकट में अंडे मिल गए गाइज। भग रहा है क्या? भग रहा है क्या? भग रहा है क्या? भग रहा है क्या कछुआ? कछुआ रुक, अपनी मौत से कभी कोई भाग पाया है बावड़े? कभी कोई भाग पाया भाई? बेहोश हो जा, बेहोश हो जा भाई। मेरे को भाई स्पाई ग्लास भी चाहिए थी यार, स्पाई ग्लास का जुगाड़ हो जाना चाहिए। रुक जाओ भाई, इसको तो टॉर्पोर दे रहा हूँ मैं मस्त भी। रुक जाओ, यहाँ पे क्या है? अबे यार शिट, ओ भाई डायनो हार्ट मिला, ये क्या चीज़ मिली बे? ये कुछ अजीब ही चीज़ मिली गाइज मेरे को यहाँ पे। ये देख रहे हो, मेरे को यहाँ पे मिला डायनो हार्ट भाई। ये किस काम आता है स्ट्रेंज? ये किस काम आता है भाई? तेरा टॉर्पोर है कितना भाई मेरे पास? और 3 ही बोला बच्चे, भाग तो रहा है भाई ये कछुवेश्वर। पता नहीं इसका टॉर्पोर कितना है यार। जय भद्रकाली, लग जा। अबे लगी नहीं यार, ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग तो रहा है भाई। लोंडा भाग रहा है, कलवा का लोंडा भाग रहा है। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी देखो, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, लग जा, लग जा गले। अबे व्हाट द भाई, आखिरी बोला है भाई। अच्छा ये बोला, अरे मैं भूल गया, इटर्नल बोला खत्म ही नहीं होते। यस 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 यस, इनका ग्लिच यही है गाइज। पता नहीं ये मॉड का ग्लिच है क्या सीन है, लेकिन इटर्नल वाले जो होते हैं ना बोला, जो कभी आपके खत्म नहीं होंगे, जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे भाई। जितना मारते रहना है मारते रहो भाई। ये देख रहे हो मेरे पास अभी तक 3 ही है। तेरा टॉर्पोर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है भाई? मैं देखूँ तो कैसे देखूँ इसका टॉर्पोर? देखूँ तो कैसे देखूँ भाई? 300-400 के तो नहीं टॉर्पोर ना तेरा भाई? कार्बन कॉफी बता दे भाई मेरे को। एक और कछुए को मारना पड़ेगा किसी को। ठीक है, मैं नॉकआउट करके किसी उसको मार दूंगा ना, लो लेवल का जो है, क्योंकि उसको उससे मेरे को चिटिन्स मिलेंगे भाई। तू मजाक कर रहा है भाई? भाई कितना टॉर्पोर है तेरा? अबे कछुवेश्वर भाई कितना टॉर्पोर लेके बैठा ही है भाई? इससे अच्छा तो मैं लाइटनिंग वाला अटेम कर लेता। पॉइजन वाले को, इससे पॉइजन होता भी है नहीं होता है ये भी मेरे को पता नहीं। आ गए मजे, आ गए मजे, भेज क्या है, मिल गया स्वाद। इसकी भैंस की आख्या मारू बे। अभी इतने टाइम से मैं इसके आजू बाजू घूम रहा था भाई, मेरे को मारा नहीं। और भाई जैसे थोड़ा सा नज़दीक गया भाई, पेलम पाल दे दिया भाई लोंडे ने भाई। मैं उसको नहीं मार रहा भाई, मैं उसको नहीं कर रहा कुछ। रेन दो, रेन दो भाई, रेन दो भाई। इतने में तो कोई नॉकआउट हो जाए भाई, ये नॉक ही नहीं हो रहा भाई। कलवा का लोंडा देख रहे हो, पीछे पड़ गया क्या? मेरे पीछे पड़ गया ये तो, देख रहे हो मेरे पीछे पड़ रहा है भाई। ये नॉक ही नहीं हो रहा, शायद इसके ऊपर पॉइजन बोला वर्क नहीं कर रहे क्या पॉइजन के ऊपर? पता नहीं कैसी ने, पता नहीं कुछ तो अलग ही सीन है भाई, अलग ही नशे है भाई इसके। पता नहीं चल रहा यार, पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि मेरे पास स्पाई ग्लास नहीं है। मेरे पास स्पाई ग्लास नहीं, अगर होती तो पता चल जाता इसको टॉर्पोर चढ़ भी रहा है या नहीं चढ़ रहा भाई। जा भाई, जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मेरे को नहीं करना है तेरे को टेम। जा जा, मेरे को तेरे को टेम करना ही नहीं है, तेरे को टेम करना ही नहीं है। रुक जा, डोडो तू आ जा भाई, इटर्नल डोडो टेम करेगा अपन, अपन करेगा इटर्नल डोडो टेम। ओके भाई, ये देख रहे हो कच करके नॉकआउट हो गया 300 लेवल का। मजाक कर रही है क्या है भाई? इसके पास डायनो डीएनए भाई, ये क्या क्या मिल रहा है
भाई रिपोस डोडो भाई, क्या क्या बना सकते हैं अपन? तेरे को क्या चाहिए? मेजोबेरी से होगा ना? मेजोबेरी से हो गया। अच्छा नहीं, कोकोनट से होगा आइटम। अबे अबे साले यार, शिट। अबे यार मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, पता है क्या गाइस? ये एक्चुअली में भोला के असर में था और मैंने इसको टेम कर दिया। क्या चाहिए तेरे को? तेरे पास तेरे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कितना कितना टॉर्पर उतरेगा जल्दी इसका भी? हाँ काफ़ी जल्दी उतर रहा है, अच्छी बात है। रुक जाओ, ये कौन सा डोडो है? एक बार मेरे को बना के देखने दो भाई। इसके अंदर अपन कोई तो डोडो बना सकते हैं। वो कछुएश्वर को तो देख लूंगा मैं बाद में। ओ भाई, ये मंगती मेरे को ये मंगती। गाइस ये शाइन ऑन मंगती अपन को। रुक जाओ, पहले डोडो का कैसे है? गाइस इसे कहते हैं इटर्नल डायनो। इसे कहते हैं बेस क्या बेहोश है लेकिन मेरे को फॉलो कर रहा है। भाई ये देख रहे हो भाई, बेहोश है वो डोडो फिर भी मेरे को फॉलो कर रहा है। देख रहे हो भाई, प्यार देख रहे हो, प्यार। इसे कहते हैं इटर्नल का डायनो। मजाक कर रहे हो भाई, ऐसे तो कोई भी बेहोश हो जाएगा और मेरे को फॉलो करते करते बैठेगा ना। भाई अंडे उठाने दो भाई, फोकट में अंडे मिल रहे हैं, अपन छोड़ेंगे थोड़ी। इटर्नल डोडो के अंडे सारे के सारे। आजा भाई, देख रहे हो देख रहे हो। अरे अरे इतना इतना काहे प्यार कर रहा है भाई? व्हाट द हेल, मेरा कैरेक्टर ग्लिच है क्या? अरे यार मेरा कैरेक्टर ग्लिच हो गया, मैं अनफॉलो नहीं कर सकता। अच्छा ये शायद बेहोश है इसलिए मैं अनफॉलो नहीं कर सकता, मे बी इसको शायद ऐसा होगा। रुक जाओ, इसके अंदर मेरे को ये बेरी डालनी है, इसके बाद ये बेरी डालनी है, इसके बाद ये बेरी डालनी है, इसके बाद ये बेरी डालनी है। और क्या चाहिए? और फाइबर चाहिए ना। रुक जाओ, ये ले, ये फाइबर भी ले ले। इधर को स्टिम बेरी खिला दूँ क्या? स्टिम बेरी मिली ही नहीं मेरे को, ये फाइबर ले ले। ये भाई ये कौन सा डोडो है ना, ये अपन देख लेते हैं। बंजा भाई, बंजा पेड़, बंजा पेड़, बंजा पेड़, बंजा पेड़। अच्छा बन नहीं सकता बिकॉज ये बेहोश है भाई। उठने दो इसको, इसको उठने दो, तब तक अपन देखते हैं आजू बाजू क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें। वो शाइन ऑन तो अपन टेम करके लेंगे इस एपिसोड में, नहीं तो अगले एपिसोड में तो भाई पक्का टेम करके रहेंगे भाई। सही है भाई, इतू से एरिया में अपन को क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें मिली है भाई देखने को। ये देख रहे हो फॉलो कर रहा है। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं जा रहा कहीं पे। हाँ भाई रुको जरा, सब्र करो। हो गया, उड़ गया ना, इसका भी बढ़िया पिकअप। मजाक कर, इतने बड़े अबे मेरा मुंह उसके पिछवाड़े में घुस गया भाई। हेलो ए इटर्नल डोडो, दिखा रहे अपना जलवा। इनको 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 दिखा, इनको दिखा दिखा, मार, फेल दे फेल दे। ओ भाई, ओ भाई ये तो आग लगा सकता। मार मार मार, खोपड़ी तोड़ सालों का, तोड़ खोपड़ी। ए वल्चर भाई, बाप रे बाप रे बाप रे, वल्चर पीछे पड़ गया। ठीक है, मार दे मार दे मार दे वल्चर वाको, वल्चर वाको मार दे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यार फेल दिया बे भाई। 405 लेवल के वल्चर है भाई, मेरा डोडो की समाधि ना बन जाए भाई, मेरे डोडो की समाधि ना बन जाए। 405 लेवल के है भाई। ओके ठीक है, शायद 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 हमने उसको, मैंने उसको कुछ करा था क्या उस वल्चर्स को, उसके कारण वो मेरे पीछे भाई फोकड़ में पीछे लग गए वल्चर्स। भाई तुम्हारा भाई क्या बिगाड़ा है मैंने? हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? व्हाट द, भाई फोकड़ में पीछे लग रहे भाई, फोकड़ में मार रहे मेरे को भाई। एक एक को पेल दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ, मैं एक एक को पेल दूंगा इनकी भाई। क्या क्या मारूँ? ए डोडो आ जा रे, डोडो आ जा, डोडो आ जा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, गरीब है वो, छोड़ दे, गरीब आदमी को माफ कर देना चाहिए। आ जा आ जाओ, तुम मेरे पीछे काहे पड़ रहे हो? अबे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई सालों मैंने? भाई ऐसे डोडो के आर्मी बना के तुम्हारे पीछे पीछे छोड़ दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। वल्चर्स देखो, महंगा पड़ेगा, महंगा महंगा महंगा, तुमको मेरे से पंगा, तुमको पड़ेगा महंगा। रुको, मेरे से पंगा ना, मेरे से पंगा, मेरे से पंगा। रुक जाओ चलो, ना पड़ा तुमको महंगा तो बता देना। रुक जाओ, अभी डी करके देता हूँ, रुको अभी डी करके दे। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा मेरे बच्चे, वल्चर होगा अपने घर पे, तू रुक जाई भद्रका, ले 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 भाई, वल्चर होगा अपने घर पे। क्या बोला था? वल्चर होगा अपने घर पे, रुक रुक जा रुक जा। क्या लगा भाई? बोला मेरे पास इटर्नल वाला, मजाक नहीं है, मजाक नहीं कर रहा भाई। ये ग्लिच क्यों हो जाता है ये पीपी में ग्लिच क्यों हो जाता है भाई? हाथ में ले ले भाई, बोला हाथ में ले ले लोंडे। हाँ नाइस, वल्चर आ जा आ जा वल्चर, अगर तेरे जी में डी है ना, आ जा यहाँ पे। भग रहा है भाई, इसका अभी भग रहा है, फट गई उसके भी, फट गई। देखा डोडो, अभी वो मेरे को डोडो देना, ये बना के, ये वाला डोडो बना के देना भाई। तू मजाक कर रहा है भाई, सारी बेरीज खा गया क्या? बुक्कड़ चला भाई, सारी बेरीज खा गया बे। कोटेड लेवल पा चुके, डैमेज में डाल। इसमें हीलिंग का कुछ है क्या? इनका हीलिंग का कुछ क्या? इसमें एक ही बात है, इसमें हीलिंग का नहीं है भाई। इसमें हीलिंग के लिए अपन को कोई और मॉड डालना पड़ेगा, ये हील ही नहीं होते वरना। डैमेज बढ़ा देता हूँ इसका, हेल्थ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई यार कच करके। इसको भाई, इसको हीलिंग का करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा हीलिंग का मेरे को, क्योंकि इसमें हीलिंग का कोई सीन ही नहीं है। रुक जाओ ये, रुक भाई ये वही पे रुक जाओ। वो भाई स्पिरिट टाइप कोई डोडो था ना, वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को मांगता है, मेरे को देखना है क्या है वो। रुक जाओ भाई, खतरनाक है भाई, खतरनाक है। थोड़े से कपड़े पहन लो भाई, नंगू पंगू अच्छा नहीं लगता भाई। कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले लोटे। ओ भाई ये क्या है? इवोल्यूशन पोशन। हाँ इवोल्यूशन पोशन से अपन को किसी, इसमें ऐसे डायनो है ना गाइस जिसको आप डायरेक्टली टेम नहीं कर सकते, आपको उनको इवॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए आपको पोशन उनको खिलाना पड़ता है। तो इसमें कुछ अलग ही नशे है भाई। इटर्नल स्पेयर भी है किसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता होगा मे भी। ओके
रिविगो कपड़े पहन ले मेरे बच्ची। भाई मेरे को कलेक्ट करने से सीड मिल गई। भाई सीड वैसे बेसिकली मिलती नहीं है, लेकिन इसमें सीड मिल गई। नाइस ओके। ये ले भाई ठूसना नहीं भाई, सारे खाना नहीं बेरीज। रुक जाओ ये डोडो बना दे, बना के दे दे मेरे को। अबे खाना नहीं भाई, ये भुक्कड़ है, सारी खा जाएगा बेरी, सारी बेरी खा जाता है ये। ये डोडो बन रहा है, रुक जाओ उसमें डोडो बन रहा है, रुक जाओ। ये देख रहे हो भाई इटरनल लाइटनिंग टर्टल, इसको भी देखेंगे अपन, लाइटनिंग टर्टल। ओके मेल है ये, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो शाइन ऑन भाई देख रहे हो कितनी कूल लग रही है भाई, इसको तो अपन टेम कर करेंगे शाइन ऑन को। क्या खतरनाक लग रहा, कैसे टुमक टुमक के चल रही है भाई, वैसे टुमक टुमक के चल रही है। इसमें इलिंग इलिंग का कुछ डालना पड़ेगा यार, ये डायनोड का क्या है भाई, सब कुछ देखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। ये डोडो बन चुका है यहाँ पे, बंजा पेड़ बंजा पेड़ बंजा पेड़। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया क्या हो गया? ओ भाई ये इवॉल्व हो गया डोडो। अच्छा ये बात है भाई, ये डोडो इवॉल्व हो गया एक्चुअली में, देख रहे हो देख रहे हो। अभी ये क्या करेगा, इसको और इवॉल्व कर सकते क्या? ना, ओ माय गॉड, ये डोडो इवॉल्व कर दिया अपन ने। वाह भाई वाह, सही है भाई, ये भी सही है। ये क्या आ रहा है, ये कुछ आ रहा है क्या, या उसकी आत्मा ही है? आसमान में क्या उड़ रही है, आसमान में क्या? तेरा डैमेज कितना है, जरा दिखा इसके ऊपर, इसके ऊपर डैमेज दिखा अपना भाई। तो आज पूछ पाएगा वापरे वापे कैलोसोरस से, आज पूछ पाएगा क्या वापे? उसका वेट ही बढ़ा सकते हैं अपन, और कुछ बढ़ा नहीं सकते, इसकी हेल्थ नहीं बढ़ा सकते इवॉल्व होने के बाद। जाना उसको मारना भाई लोंडे, उसको मार उसको मार उसको मार, जा भाई से स्पीड काफ़ी ज़्यादा टट्टी है। मशा पोमा ये ले भाई, जो सामने से आ रहा है उसको मार, तेरे से ना हो पाएगा भाई। ये दिखने में कूल लग रहा है यार, लेकिन ये डोडो दिख रहे हो, अच्छा लग रहा है यार दिखने में, काफ़ी अच्छा ही है भाई। नाइस है नाइस है नाइस है नाइस है, मार उसको मार 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 मार, काट दे भाई आग। अरे बाप रे, ब्लू ब्लू आग लगा रहा है भाई लुंडा। आ जा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेंदे रेंदे तेरे से ना हो पाएगा, रेंदे रेंदे भाई। रुक जाओ, अपन को अंडे के लिए एक और डोडो टेम करना पड़ेगा, ये वाला कर ले तेरे को। ए, उस वाले का इसको इवॉल्व कराना, इसका कलर काफ़ी कूल था यार, इसका कलर काफ़ी कूल था, इसका कलर थोड़ा सा टट्टी है भाई, इसका कलर काफ़ी टट्टी है, फिर भी अपन इसको टेम करेगा। ले भाई क्या, पुट फूड इन लास्ट भाई, इसको अपन पैसिव टेम है क्या ये, व्हाट इज दिस, क्या तू पैसिव टेम है भाई? मैंने नॉकआउट करके क्यों टेम करा फिर? ये देख रहे हो अपने पास भाई दो दो डोडो आ चुके हैं, एक ये वाला डोडो है, इसको भी इवॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ ये भी वही है, इवॉल्व वाला ही डोडो है ना, इसका भी बढ़िया। रुक जाओ यहाँ पे, अभी बेड बीड एंड फाउंडेशन थोड़ी सी लगा देता हूँ मैं, रुक जाओ भाई, जुगाड़ करने दो सारी चीज़ों का। यहाँ पे भाई अपन थोड़ा सा एक छोटा सा बेस बना के चले जाएंगे, ठीक है, आज ऊपर की तरफ एक छोटा सा बेस बना के निकल लेंगे अपन, ठीक है। चलो भाई थैश तोड़ने दो, ओके हियर वी गो। ओके भाई ये बना ले, तेरे को क्या चाहिए, फ्लिंट चाहिए? अरे फ्लिंट भाई, फ्लिंट की कमी नहीं है सर जी, ये ले भाई। ओ भाई व्हाट, ब्लू जेम क्रिस्टल ब्रिस्टल मिल रहे भाई इसमें से, वाह भाई खतरनाक, ये तो खतरनाक चीज़ है भाई। ये देख रहे हो ग्रीन क्रिस्टल मिले भाई, 44 लेवल अप आ चुके हैं मेरे को, मेरे को खुद पता नहीं था मेरे को इतनी लेवल अप का भाई। भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, ले भाई। इटरनल कोकोनट ऐड होते रहते क्या इन्वेंटरी में ऑटोमेटिकली, पता नहीं, अलग ही सीन है भाई इसमें। वेट में डाल दे पॉइंट्स, काफ़ी बढ़िया, मिली डैमेज में डाल दे, उसके बाद मूवमेंट स्पीड में डाल दे, उसके बाद स्टैमिना में, उसके बाद इसमें, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद ये ले भाई, उसके बाद यहाँ पे 42 में दो तीन पॉइंट। फिर भी वो कितनी लेवल हो चुके हैं, 100 90 88 हो चुके, 88 उड़ चुके, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। चलो गाइस यहाँ पे मैं रिसोर्स इकट्ठा कर लेता हूँ, जो अपन को स्टोन बीन चाहिए सारे, ओके। उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा सा छोटा सा घर बना लेंगे अपन, ओके। यहाँ पे फिलहाल तो कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ज़्यादा खतरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपन ने डायनो काउंट भाई थोड़ा सा कम रखा है, इसके लिए ज़्यादा कोई डायनो अपन को दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। रुक जाओ मेरे को भाई बनाने दो, स्टोन के फाउंडेशन बनाएंगे, ओ स्टोन के ओनली फाउंडेशन दे दे, नाइस काफ़ी बढ़िया। एंड उसके बाद मेरे को दे दे बेड दे दे, कितने बन सकते हैं, बना ले भाई जितने बन सकते, 26 काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बेड बना लेता हूँ, सिंपल बेड, हियर वी गो। ओके सिंपल बेड कितने बना सकता हूँ, अरे बेड बनाने के लिए तो मेरे को हाइट चाहिए होगा ना, रुक जाओ हाइट के लिए मैं इटरनल ये बना लेता हूँ ना, इटरनल मेरे पास ये ना स्पेयर है ना, इटरनल स्पेयर दो तीन बना लेता हूँ, नाइस काफ़ी बढ़िया, चला जा। रुक जाओ हाइट के लिए अच्छा, वो भी रैप्टर को पेलम पाल देता हूँ, इटरनल स्पेयर का मैं देखता हूँ डैमेज कितना है मेरे को। ये रहा भाई अपना इटरनल स्पेयर, आजा मेरे बच्ची आजा, कहाँ पे गया भाई, 200 डैमेज है, ज़्यादा नहीं है डैमेज, वैसे 200 ही डैमेज है, मेरे को लगा कुछ ज़्यादा होगा कि इटरनल स्पेयर का डैमेज, लेकिन भाई 200 है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो बेड बना लेता हूँ मैं, फटाक से बेड बना लेते हैं, ताकि मरने के बाद अपन रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। 10 11 12 इतने इनफ रहेंगे, इतने इनफ रहेंगे बेड। फूड चाहिए मेरे को यार, फूड चाहिए, खाना 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 मांगता भाई, खाना मांगता, ठीक है। नॉर्मल वाला फिलहाल के लिए मीट ही खा लेता हूँ। चलो भाई चलो भाई, अभी ऊपर ऊपर एक डोडो को लेके जाऊँगा ना, दोनों को तो लेके नहीं जा सकता, ठीक है, एक को लेके जाऊँगा। ओके भाई ये भाई देख रहे हो कैसे चल रहा है भाई, मैं कहाँ पे बना, इसके ऊपर ही बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, नॉर्मल अपना बेस है ना स्टार्टिंग वाला, इस यहीं पे बना लेता हूँ इसके ऊपर, या फिर उधर ऑपोजिट साइड में,
उधर आओ भाई, तू कहाँ पे जा रहा है? तेर तेर के फॉलो मी, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ मेरे बच्ची, इधर आ 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 इधर आ, हाँ भाई इधर आ। ठीक है, फिलहाल के लिए अपना बेड जो है ना मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक, ठीक है, नॉर्मल सा छोटू सा बेड, अपन पानी के उस तरफ भी बना लेंगे बाद में, लेकिन बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक बैकअप के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि अगर पता चला कोई खतरनाक डायनो आया और अपना बेस तोड़ के चला गया ना, तो बैकअप के लिए अपने बेस के पास कुछ ना कुछ जगह चाहिए ना जहाँ पे अपन रिस्पॉन हो सके, तो वो जगह रहेगी ये अपनी। ठीक है, ये अपना बैकअप के लिए, और अपना जो बेस होगा वो मैं मेन वहाँ पर बना दूंगा। ओके, यहाँ पे 5 बेड बना लेता हूँ। ओके, हियर वी गो एंड टड़ा। ओके नाइस, आ जा मेरे डोडो, खत्म, खतरनाक भाई, खतरनाक। आ जा भाई, तू भी आ जा। ये खतरनाक दिखने में ओपी है यार ये डोडो, ये कुछ भी बोले डोडो भाई दिखने में काफ़ी खतरनाक है। अंडे उठा ले भाई, अंडा उठा ले। पता नहीं ये इटरनल डोडो के एग किस काम आएंगे, लेकिन सही है भाई, ये देख रहे हो भाई, खतरनाक लग रहा है। तो गाइस एक काम कर लेते हैं, ठीक है, अगले एपिसोड में अपन भाई वो शाइन हॉर्न टेम करने वाले भाई, कुछ भी हो जाए भाई अपन वो शाइन हॉर्न टेम करके रहेंगे भाई। फॉलो कर वहाँ पे नहीं जाना तेरे को, ठीक है। तो अगले एपिसोड में अपन भाई वो शाइन हॉर्न टेम करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस मैप को, एंड थोड़ा सा देखेंगे कि इस मैप में और क्या कौन से डायनो है, ठीक है। शायद वो शाइन हॉर्न टेमिंग की जो वीडियो है वो आ जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल पे, तो भाई चेकआउट जरूर करना गेमिंग विद एनी के चैनल पे वो वीडियो। गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। और गाइस जो आज अपने डोडो यहाँ पे टेम करे ना, ठीक है, इनके लिए भाई खतरनाक वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मांगते हैं अपन को। ओके रुक जा भाई, ऊपर चढ़ ले भाई, रुक जा, मैं देख लेता हूँ ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये तो फीमेल है, ये फीमेल है, एंड तू क्या है भाई, ये भी फीमेल है। ठीक है, तो दोनों के लिए भाई फीमेल वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट जरूर करना। तो गाइस आज का जो एपिसोड है आर्क इटरनल का, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आज का एपिसोड आया होगा पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आपसे मिलते हैं आर्क इटरनल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गाइस सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.